लाइव है, पीछे सब जाना सर। एक बार आवाज थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, एक बार जोरदार भारत माता का जयकारा लगाएंगे, पूरे दिल से लगाएंगे, मुट्ठी बंद करके हाथ ऊपर करके एक साथ बोलेंगे भारत माता की, इनकलाब इनकलाब, वंदे वंदे। आज यहां इतनी भारी संख्या में आए हुए मेरे भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों बच्चों आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं आप लोग? 5 साल बीत गए, अच्छे बीते, खूब काम किया 5 साल में, बड़ी ईमानदारी के साथ काम किया, लगन के साथ काम किया, रात दिन 24 घंटे काम किया, स्कूल अस्पताल बिजली पानी महिलाओं की फ्री सफर बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा गलियां नालियां सड़कें सीवर पता नहीं इतने काम किए, मैं काम भी भूल जाता हूं, इतनी लंबी लिस्ट है कामों की। दोस्तों दिल्ली के हर परिवार का बड़ा बेटा बनके मैंने आप लोगों के परिवार की जिम्मेदारी संभाली पिछले 5 साल के अंदर। आपके बिजली के बिल आए, मैंने उसकी जिम्मेदारी ले ली, आपको भरने नहीं दिए, सारे आप लोगों के बिजली के बिल मैंने भर दिए। किस किस के बिजली के बिल जीरो आए जरा हाथ खड़े कर दो, किस किस के जीरो आए जरा इधर भी हाथ खड़े कर दो। बड़ा बेटा होने के नाते आपके सब परिवारों के बिजली के बिल मैंने भर दिए। आपके पानी के बिल आए, बड़ा बेटा होने के नाते मैंने आपके सबके पानी के बिल भी भर दिए। किस किस के पानी के बिल जीरो आए जरा हाथ खड़े कर दो। आपके परिवार में जितने छोटे बच्चे थे सारे छोटे बच्चों की स्कूल की जिम्मेदारी मैंने ली। आपका बड़ा बेटा होने के नाते सबकी अच्छी पढ़ाई की जिम्मेदारी ली, सरकारी स्कूलों को ठीक करा। आपके घर में कोई बीमार हुआ उसकी दवा का टेस्ट का ऑपरेशन का सबका इलाज मैंने किया, सारे सरकारी अस्पतालों में सब कुछ फ्री कर दिया, आप लोगों को किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई। आपके घर में जितने बुजुर्ग थे सबकी तीर्थ यात्रा का इंतजाम करा। तो पिछले 5 साल में आपका बड़ा बेटा आपका बड़ा भाई होने की जिम्मेदारी निभाई है। अब अगले 5 साल में भी बहुत सारे काम करने बाकी हैं। दिल्ली की सफाई करनी है, करनी है नहीं करनी? दिल्ली बहुत गंदी हो गई, चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा है, नालियां बह रही हैं, सीवर बह रहे हैं, कूड़ा उठता नहीं है, चारों तरफ मलबा ही मलबा पड़ा है, बदबू आती है। दिल्ली की सफाई करेंगे अगले 5 साल में, इसकी पूरी प्लानिंग करी है मैंने। यमुना बहुत गंदी हो रही है, यमुना की सफाई करनी है सबने मिलके, यमुना की सफाई करेंगे। और आज मैं गारंटी दे, गंगा कौन कौन नहा के आया जरा हाथ खड़े करो, गंगा को गंगा जी कौन कौन गए हुए हैं? बहुत कम लोग गए हैं, एक बारी जरा तीर्थ यात्रा हुआ हो सारे जने गंगा जी की भी, गंगा जी की डुबकी लगाया हो। और अगले चुनाव के पहले सबको मैं ले जाके यमुना जी की डुबकी जरूर लगवा दूंगा, मैं भी आपके साथ डुबकी लगाऊंगा। उसके बाद प्रदूषण खत्म करना है अपने को, दिल्ली में प्रदूषण भी बहुत हो गया, ट्रांसपोर्ट ठीक करना है अपने को। ये जो 200 यूनिट बिजली फ्री दी है ये बीजेपी वाले कह रहे हैं 31 मार्च को केजरीवाल खत्म कर देगा। भाई साहब जब तक केजरीवाल आपका मुख्यमंत्री है आपकी बिजली फ्री रहेगी? आज क्या कह जा रहा हूं आपको,
लेकिन बीजेपी को वोट दे दिया तो बिजली फ्री खत्म हो जाएगी, सोच लेना। और जितना महिलाओं का किराया फ्री कराए बच्चों में, बीजेपी वाले कह रहे हैं चुनाव के बाद केजरीवाल ये खत्म कर देगा। जब तक केजरीवाल है, महिलाओं का भी किराया फ्री रहेगा और स्टूडेंट्स का भी किराया फ्री कर देंगे इसके बाद। थोड़ा सा वॉल्यूम कर दो यार, थोड़ा सा, या कोई और माइक दे दो, कोई और माइक दे दो। फिर अपने को ट्रांसपोर्ट भी ठीक करना है, खूब सारी बसें ला, मेट्रो को भी 500 किलोमीटर मेट्रो को बढ़ाएंगे। जैसे बसों में मार्शल की नियुक्ति करी है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, अब दिल्ली की हर कॉलोनी में, हर मोहल्ले में हम आप लोगों की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए पूरी दिल्ली में मार्शल की नियुक्ति करेंगे। तो बहुत सारे काम किए पिछले 5 साल में, खूब सारे काम करने हैं अगले 5 साल में, आपके साथ मिलके करने हैं। मैं अकेला कुछ नहीं हूं आप लोगों के बिना, जो काम पिछले 5 साल में किए आपके साथ मिलके करें। आजकल अमित शाह जी रोज आ रहे हैं दिल्ली, दिल्ली वालों से बात करने के लिए, और रोज आके कुछ ना कुछ उलट सुलट बक्के चले जाते हैं। एक दिन आए स्टेज पे खड़े होके बोले, केजरीवाल ने कहा था सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, बोले मैं 2 दिन से दूरबीन लेके घूम रहा हूं, मेरे को एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं मिला। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लगे नहीं लगे सीसीटीवी कैमरे? वहां की आरडब्ल्यूए जो थी, जहां पे वो भाषण दे रहे थे, आरडब्ल्यूए वालों को इतना गुस्सा आया क्योंकि जहां से वो भाषण दे रहे थे उसके ऊपर 3 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। वहां की आरडब्ल्यूए वाले ने उनकी सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग निकाली और अगले दिन अमित शाह जी को भेज दी, बोले जी जहां भाषण दे रहे थे जरा गर्दन ऊपर करके देख लेते, वहीं 3 कैमरे लगे हुए थे। रोज आते हैं और दिल्ली वालों का अपमान करके चले जाते हैं। थोड़े दिन पहले आए, बोले दिल्ली के बच्चों की पढ़ाई बहुत खराब है, दिल्ली के बच्चे पढ़ते ठीक नहीं है। भाई साहब, 5 साल के अंदर दिल्ली वालों ने मिलके दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति करी है, दिल्ली के स्कूल ठीक करे हैं। दिल्ली के स्कूल ठीक हुए नहीं हुए जरा हाथ खड़े करके बता देना अमित शाह को। इस बार दिल्ली के स्कूलों के 96% नतीजे आए हैं, 96%। 70 साल में भारत के इतिहास में कभी सरकारी स्कूलों के 96% नतीजे नहीं आए। 96% नतीजे कैसे आए? केजरीवाल ने मेहनत नहीं करी थी, हमारे बच्चों ने मेहनत करी थी, बच्चे रात दिन पढ़े थे, उनके माँ बाप ने मेहनत करी थी, रात रात भर हम उनके माँ बाप ने बच्चों को पढ़ाया था। 65,000 टीचर जो हमारे सरकारी स्कूलों में काम करते हैं उन्होंने मेहनत करी थी। जब बच्चों ने और उनके माँ बाप ने टीवी में देखा कि अमित शाह जी उनकी बच्चों की पढ़ाई की बुराई कर रहे हैं, उनको बहुत गुस्सा आया। आज हमारे दिल्ली के माँ बाप को, बच्चों को गर्व है इस बात पे कि 96% नतीजे आए हमारे बच्चों के। 450 बच्चे हमारे सरकारी स्कूलों के आईआईटी के अंदर उनका एडमिशन हुआ है। आईआईटी में एडमिशन लेना आसान बात नहीं है भाई साहब, बहुत मुश्किल होता है। मैं भी आईआईटी से पढ़ा हुआ हूं, मैंने बड़ी मेहनत करी थी। 450 बच्चे सरकारी स्कूलों के आईआईटी में एडमिशन हुआ इंजीनियरिंग में। आज हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं, और अमित शाह जी आके हमारे बच्चों का अपमान करके चले जाते हैं। दिल्ली के लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। रोज आते हैं उलट सुलट करके, उलट सुलट बोल के चले जाते हैं। दोस्तों, यहां पे बहुत सारे बीजेपी वाले भी होंगे, कांग्रेस वाले भी होंगे, नहीं शर्माने की बात नहीं है। मैं
दो शब्द उनको कहना चाहता हूं, जो जो बीजेपी में है, जो जो कांग्रेस में है, मैं आपको आपकी पार्टी छोड़ने को नहीं कह रहा, आप अपनी पार्टी में रहो, लेकिन वोट सारे जने इस बार झाड़ू पे दे देना। आप पूछोगे क्यों? भाई साहब आप ये बात मानोगे, दिल्ली के सरकारी स्कूल और अस्पतालों का बुरा हाल था 5 साल पहले तक। इन 5 सालों में हम लोगों ने बड़ी मेहनत करके स्कूल अस्पताल ठीक करे हैं। 70 साल में किसी पार्टी ने, 70 साल में किसी सरकार ने देश के किसी भी हिस्से में स्कूल अस्पताल ठीक नहीं करे। पहली बार कोई पार्टी आई है जिसने स्कूल अस्पताल ठीक करे हैं। अब अगर आपने अपनी पार्टियों को वोट दे दिया, दूसरी पार्टियों को वोट दे दिया, ये फिर खराब हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे? इसलिए सारे जने, मैं अपने लिए वोट मांगने नहीं आया, मैं दिल्ली की तरक्की के लिए बोल रहा हूं, देश की तरक्की के लिए, दिल्ली की तरक्की के लिए, अपने स्कूल अस्पतालों के लिए। इस बार सारे जने अपनी पार्टी भूल के झाड़ू के ऊपर वोट दे देना। और एक बात है, पिछले 5 साल में बीजेपी और कांग्रेस वालों को कह रहा हूं, पिछले 5 साल में जब आपके स्कूल वालों ने आपके बच्चे की फीस बढ़ाई थी, आपके बीजेपी कांग्रेस वाले काम नहीं आए थे? केजरीवाल ने आपके बच्चों की स्कूल की फीस कम करवाई थी। पिछले 5 साल में जब आपके बच्चे टूटे फूटे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे थे, आपके बीजेपी कांग्रेस वाले काम नहीं आए थे? केजरीवाल ने आपके सरकारी स्कूलों को ठीक करा था। पिछले 5 साल में जब जब आपके घर में कोई बीमार हुआ, बीजेपी कांग्रेस वाले आपका हालचाल पूछने नहीं आए थे? केजरीवाल ने आपके बच्चों के इलाज का इंतजाम करा था। भाई साहब पिछले 5 साल केजरीवाल काम आया था आपको, अगले 5 साल भी केजरीवाल ही काम आएगा आपको। आपके साथ रिश्ता बनाया है, आप सब लोगों को, चाहे कोई किसी पार्टी का हो, सबके लिए काम किया पिछले 5 साल में। मेरे पास बीजेपी वाला आया उसका भी काम किया, कांग्रेस वाला आया उसका भी काम करा। मैंने कभी किसी के साथ सौतेला व्यवहार नहीं करा, सबको मैंने अपने परिवार का हिस्सा माना है। और एक बार रिश्ता बनाया है तो केजरीवाल को रिश्ता निभाना भी आता है। अब इस बार ये लोग, ये सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई भाई साहब। इस बार ये सारी पार्टियां, पता नहीं कहां कहां से नई नई पार्टियां आ गई। दिल्ली में पहले तो 3 ही पार्टियां थी, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। इस बार और भी कई सारी पार्टियां आ गई, बीजेपी, कांग्रेस, LJP, RJD, JDU, पूरे देश भर से सारी पार्टियां इकट्ठी करके ले आए और ये सारे इकट्ठे होकर चुनाव लड़ रहे हैं। इनका एक ही नारा है, केजरीवाल हटाओ। इनका एक ही मकसद है, केजरीवाल हटाओ। अब ये कह रहे हैं, आज खट्टर साहब आए हुए थे हरियाणा से, खट्टर साहब चुनाव प्रचार करने आए थे, उनसे अपने स्कूल अस्पताल तो संभलते नहीं है, उनसे अपनी बिजली पानी तो संभलती नहीं है। दिल्ली में चुनाव प्रचार करने आए हैं, वो जहां गए वहां की जनता ने उनसे पूछा, खट्टर साहब से, खट्टर साहब आपके यहां बिजली कितने घंटे आती है? खट्टर साहब बोले 5 घंटे। बोले जी यहां तो हमारा केजरीवाल है, 24 घंटे बिजली आती है यहां पे। फिर जनता ने उनसे पूछा, कल विजय रूपानी आए थे, गुजरात के मुख्यमंत्री, बताओ ये सारे इकट्ठे हो गए, अमित शाह, मनोज तिवारी, विजय रूपानी, मनोहर लाल खट्टर, परसों बता रहे योगी आदित्यनाथ भी आ रहे हैं, एक आदमी के पीछे पड़े हैं ये सारे जने, एक आदमी के पीछे अमित शाह, इतने बड़े बड़े धुरंधर आ रहे हैं सारे के सारे।
किस लिए आ रहे हैं? आपके बेटे को हराने के लिए आ रहे हैं, आपको हराने के लिए आ रहे हैं, दिल्ली का विकास रोकने के लिए आ रहे हैं, दिल्ली की जनता को हराने के लिए आ रहे हैं। कल विजय रूपाणी का एक जगह जनता ने पूछा, जी गुजरात में बिजली क्या रेट है? बोले 10 रुपए यूनिट। दिल्ली की जनता बोली, यहां तो हमारा केजरीवाल है, बिजली फ्री है यहां तो जनता ने इनको कहा, जी पहले जाके अपना गुजरात संभालो, पहले जाके अपना हरियाणा संभालो, दिल्ली की चिंता छोड़ दो, दिल्ली वाले खुश हैं बहुत। ये सारे इकट्ठे हो गए, इनका एक ही मकसद है, मैं कहता हूं मैं स्कूल ठीक करूंगा, ये सारे जने मिलके कहते हैं केजरीवाल को हटाओ। मैं कहता हूं मैं अस्पताल ठीक करूंगा, ये सारे जने मिलके कहते हैं केजरीवाल को हटाओ। दोस्तों इस बार 8 फरवरी को जब आप चुनाव दिन बटन दबाने के लिए जाओगे तो इनको बता देना कि केजरीवाल दिल्ली वालों का बेटा है और दिल्ली वाले कभी अपने बेटे का साथ नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों कल मेरे को बहुत दुख हुआ, एक बात आपके साथ साझा करना चाह रहा हूं, आप सब मेरे परिवार का हिस्सा हो, मेरा फर्ज है आप लोगों के साथ अपने दिल की बात रखना। कल बीजेपी वाले नेताओं ने कहा केजरीवाल आतंकवादी है। दोस्तों पिछले 5 साल में दिल्ली के एक एक बच्चे को मैंने अपना बच्चा समझ के उसके लिए स्कूल का इंतजाम कराया, दिल्ली के एक एक बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा अच्छी पढ़ाई का इंतजाम कराया मैंने, और बीजेपी वाले मेरे को आतंकवादी बोलते हैं। पिछले 5 साल में दिल्ली के अंदर कोई भी बीमार हुआ उसके इलाज का इंतजाम किया है मैंने, और बीजेपी वाले मेरे को आतंकवादी बोलते हैं। दोस्तों पिछले 5 साल में मैंने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे भेजा है, तीर्थ यात्रा पे भेजना कौन सा गुनाह है? क्या मैं आतंकवादी हूं? पिछले 5 साल में अपने दिल्ली का कोई भी सिपाही, चाहे वो दिल्ली पुलिस में हो चाहे वो बॉर्डर पे हो, अगर कोई भी सिपाही शहीद होता है उसके बाद उसके परिवार का ख्याल रखने का मैंने इंतजाम किया है, उसको 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि मैंने दी है, और बीजेपी वाले मेरे को आतंकवादी बोलते हैं। मैंने अपना पूरा जीवन अपने देश के लिए तन मन धन सब कुछ मैंने अपने देश के लिए न्योछावर किया हुआ है, कदम कदम पे जब जरूरत पड़ी मैंने अपना सब कुछ देश के लिए न्योछावर किया। इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था, चाहता तो करोड़ों रुपए कमा सकता था, इनकम टैक्स की कमिश्नर की नौकरी छोड़ के अन्ना हजारे के साथ मिलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया था। डायबिटीज का मरीज हूं, दिन में 4 बार इंसुलिन लेना पड़ता है, डायबिटीज का मरीज अगर 3-4 घंटे खाना नहीं खाए और इंसुलिन ले रहा हो उसकी मौत हो सकती है। मैंने 2 बार अपने देश के भ्रष्टाचारियों के खिलाफ 15-15 दिन का अनशन किया था, 15 दिन का अनशन, डायबिटीज का मरीज होते हुए सारे डॉक्टरों ने कहा था कि केजरीवाल जिंदा नहीं बचेगा, सारे डॉक्टरों ने कहा था 24 घंटे से ज्यादा केजरीवाल जिंदा नहीं बचेगा। ये ऊपर वाले का करिश्मा है कि आज मैं आपके सामने जिंदा खड़ा हूं। अपनी जान दांव पे लगाई थी मैंने अपने देश के लिए, अपने देश से भ्रष्टाचार दूर करने के लिए, और ये लोग कहते हैं कि केजरीवाल आतंकवादी है। कल शाम को जब मैं अपने घर गया, मैं अपने मां बाप के साथ रहता हूं, मेरे मां बाप मेरा इंतजार कर रहे थे, कल शाम को जब मैं अपने घर पहुंचा मेरे मां बाप बहुत दुखी बैठे थे, बोले जी सवेर से टीवी पे देख रहे हैं ये सारे बीजेपी वाले कह रहे हैं केजरीवाल आतंकवादी है।
मेरे माँ बाप ने कहा कि हमारा बेटा कट्टर देशभक्त है, वो आतंकवादी नहीं हो सकता। आज मैं अपने दिल्ली वालों के ऊपर यह निर्णय छोड़ता हूं कि दिल्ली वाले तय कर लें कि आप मेरे को अपना बेटा मानते हो कि आतंकवादी मानते हो। दोस्तों, राजनीति के अंदर भी मर्यादा होती है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी, एसपी, ये सारी पार्टी अपने देश की है, ये हमारे कोई दुश्मन नहीं है, ये विपक्ष है, ये विरोधी है। उनकी एक आइडियोलॉजी है, हमारी दूसरी आइडियोलॉजी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम गाली गलौज की राजनीति करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे को गालियां देंगे। इस किस्म की राजनीति ठीक नहीं है दोस्तों। 8 फरवरी को जब वोट डालने के लिए जाओगे, जब आप बटन दबाओगे, अगर आप मेरे को अपना बेटा समझते हो तो झाड़ू पे वोट दे देना, और अगर आप मेरे को आतंकवादी समझते हो तो कमल के ऊपर वोट दे देना दोस्त। भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब।